कुरुक्षेत्र से सुधा जी, स्वागत है आपका। हमारी बेटी जान और हमारे मसीहा, आप दोनों का सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। आदाब मैम। हाँ, सवाल है बेटा। सर, आप ना सौंठ सौंफ और धनिया का चूर्ण जो बताते हैं ईयर इन्फेक्शन के लिए, जी तो क्या हुआ मुझे, ये मैंने अभी ध्यान से सुना था आपका नुस्खा, लेकिन उससे पहले मैं क्या करती थी, मेरे दिन जलन में आप बताते थे कि किडनी की सफाई करती है, जैसे बर्तन मान धो के रख देते हैं उस तरह से हमारी किडनी की सफाई करती है। तो मेरे को ख्याल आया एक दिन, फिर मैंने छोटी इलायची खाई, मेरे को बहुत जलन हुई दिन में, तो मैंने दो छोटी इलायची इस्तेमाल की और विद इन 5 मिनट सर जलन ठीक हो गई और यूरिन पास हो गया। जी तो ये मैंने उसका मैंने कईयों को बताया, ये अक्सर मतलब खातून में ये प्रॉब्लम होती ही है ये। सर, और भी कोई नुस्खा है तो ऐसा बताइए छोटा सा, जैसे ये कारगर हुआ मैंने किया। और ये बताइए सर, बड़ी इलायची पेट के लिए तो बहुत मुफीद है और जाहिर है कि पेट के सारे अंदाज में काम करती होगी, इसके अलावा और क्या क्या फायदे हैं सर, वो भी बताइए। और जैसे आप बता रहे थे अभी कि दिल बड़ा हुआ है, उसके लिए आपने बताया नमक जैतून के साथ एक बड़ी इलायची है, जी तो सर ये दिल बड़ा हुआ क्या होता है, मैंने नहीं कभी सुना। ठीक है जी। देखिए, ये जैसे लीवर बढ़ जाता है तो सूजन आ जाती है या शेप बदल लेता है अपना, ऐसे ही दिल भी बड़ा हो जाता है। और उसकी निशानी यह है दिल बड़े होने की कि जब ऐसा आदमी चलता है तो चल नहीं पाता बिल्कुल भी, सांस बहुत ज़्यादा फूल जाता है, मतलब 2-4 कदम चलना भी उसके लिए मुहाल होता है। ये उसकी निशानी है कि फेफड़े ठीक होते हैं उसके लेकिन सांस फूलता है, तो ये दिल बड़े हुए होने की निशानी होता है। और जैसे बड़ी इलायची का मैंने बताया कि ये दिल के लिए भी बहुत अच्छी है, आपको पता पेट के लिए भी बहुत अच्छी है और ये एसिडिटी के लिए भी अच्छी मानी जाती है, तो ये सूजन को कम करने के काम आती है। तो दिल पे सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, और नमक जैतून भी इन्हीं कामों में आता है। तो नमक जैतून 2 चुटकी और बड़ी इलायची 1 या 2 खाने से दिल की सूजन ख़त्म होना मुमकिन है। यही नुस्खा हमारे लीवर को भी फ़ायदा करता है, ये नुस्खा हमारी किडनी को भी फ़ायदा करता है। आपको तो पता है कि नमक जैतून तकरीबन 10-12 बीमारियों में काम आता है, तो इलायची के साथ और भी ज़्यादा काम आता है जी। और नुस्खे तो मैं बताता ही रहता हूँ तरह तरह के, खाली एक दवा या 2-3 दवाएँ और चुटकियों भर के नुस्खे मेरा बताना काम है, और ये सब बहुत तेज़ असर नहीं है तो किसी से कम असर भी नहीं है। आप तो सारे नुस्खे आजमा चुके हैं, ज़रूरत पड़ने पर नुस्खा ले लिया करें जी।